दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं हूं पायल और आज आप सुनिए लेखक महेंद्र कुमार की लिखी हुई एक दिलचस्प स्लीप स्टोरी। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। सच में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। उस दौर से कोसों दूर, उन सदाबहार गीतों से दूर, ये कहां आ गए हम। राजेश खन्ना साहब का एक मशहूर डायलॉग था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। वो दौर था पुराने गीतों का। इस दौर में लोगों की सुबह रेडियो के साथ हुआ करती थी और शाम भी रेडियो के साथ ही ढला करती थी। रेडियो में बजते उस दौर के लाजवाब गीत, जिन गीतों को लोग ना सिर्फ बड़ी उत्सुकता से सुना करते थे, बल्कि इन गीतों को गाकर शादी बारातों में महफिलें की जाती थी। सारी रात पुराने गानों की महफिल, एक से बढ़कर एक गाने। कैसा था वो दौर और कैसा था लोगों का इन गानों के साथ संबंध, विस्तार से इस पर खूब सारी बातें करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से
वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सुरीली आवाज, किशोर दा के मस्ती भरे गीत और रफी के हसीन सुर उस दौर के गीतों में चार चांद लगा दिया करते थे। इन महान गायक कलाकारों के गाए गए गाने ऐसे जिसे आज भी सुन लो तो मन झूम उठता है। आज के वक्त के मॉडर्न गीत बेहद धूम धड़ाके के साथ आते तो हैं, पर चार दिनों के ही मेहमान बनकर गायब हो जाते हैं और फिर चार दिनों के बाद इनका नाम तक भूल जाते हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ वे सदाबहार गीत इतने साल बीत जाने के बावजूद भी लोगों के दिलों में ज्यों के त्यों अपनी जगह बनाए हुए हैं। इन सदाबहार गीतों को सुनकर ऐसा लगता ही नहीं कि कभी हम इससे उब पाएंगे, बल्कि जितना भी सुनो तो लगता है जैसे हर बार ये गीत अपने नए नए रूप लेकर आए हों। पुराने गानों में मौजूद पंक्तियां भी तो किसी शायर की शायरी जैसी होती है। इन पंक्तियों में कवियों की कविताओं से गहराइयां हैं। आज भी जब हम पुराने गानों को गौर से सुनते हैं तो एक गहरी कल्पना में खो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे बचपन में हमने किसी कहानी की किताब को और उन कहानियों को पढ़कर उन पर बने चित्रों को देखकर हम उसी दुनिया की कल्पना करने लगते थे और सोचते थे कि अगर हम उस दुनिया में होते तो कैसा होता। पुराने गीतों का वो दौर, तकनीक का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था उस वक्त। तो टेलीफोन भी किसी किसी दुकानों पर हुआ करते थे। उस वक्त लोगों के घरों में न तो टीवी थी और रेडियो भी किसी किसी के घर में मिल जाते थे। उस वक्त पर लोग आज की तरह लोगों से उतना कनेक्टेड नहीं थे जितना कि आज नजर आते हैं। आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन चुकी है, जहां इंटरनेट, सोशल मीडिया के जरिए कोई भी व्यक्ति जो यहाँ भारत में बैठा है वो अमेरिका में बैठे किसी अन्य व्यक्ति से बातें कर सकता है। इंटरनेट आज की डेट में कितने ही लोगों को आपस में कनेक्ट कराता है। लोग आज अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर रहे हैं। इस दुनिया में न जाने कितने ही दोस्त हैं हमारे,
कितने ही अपने हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ खाली खाली सा लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ होकर भी कुछ कमी जरूर है। एक वो दौर भी था जब इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। लोगों के घरों में खाने को भले ही आज की तरह अनेकों प्रकार के पकवान मौजूद नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों के पास जितना भी था वे उससे अच्छी मेहमान नवाजी किया करते थे। उस दौर में तो किसी के घरों में कभी कोई मेहमान आ जाए तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी मेहमानों को देखकर काफी खुश हो जाया करते थे। बच्चे तो मेहमानों को घेर लिया करते थे और फिर सभी लोग घंटों देर रात तक उनसे गप्पे लड़ाया करते थे। कुछ किस्से हम सुनाते हैं आपको, कुछ किस्से आप सुनाओ, कुछ किस्से हम सुनाते हैं, कुछ हिस्सों में आप अपने सुख दुख का जिक्र करो, कुछ किस्सों में हम अपने सुख दुख का जिक्र करें। उस दौर में किसी की बताई गई कोई बात को बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुना जाता था, क्योंकि उस वक्त किसी के द्वारा बताई गई कोई बात आज की तरह आम नहीं बल्कि बेहद खास हुआ करती थी। उस दौर में घर में कोई मेहमान आया हो और घर में यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मौजूद हो तो फिर क्या कहना। उस दौरान तो ज्यादातर लोगों के घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, पर जिनके भी घरों में टीवी हुआ करते थे उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की भी अपनी एक अलग बात थी। वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लोगों के लिए सिर्फ टीवी ना होकर उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, जिसे लोग परिवार के एक सदस्य के रूप में देखते थे। तब उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में दूरदर्शन पर आ रहे प्रोग्राम को आस पड़ोस के लोग एक साथ बैठकर बड़े उत्सुकता से देखा करते थे। उस वक्त टीवी पर आ रहे चित्रहार को कौन भूल सकता है भला। चित्रहार की यादें तो आज भी लोगों के दिलों में ज्यों की त्यों ताजा है, जिसमें पुराने और उस वक्त के गीतों को दिखाया व सुनाया जाता था। मोहल्ले में एकमात्र टीवी हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में प्यार इतना कि पूरा मोहल्ला एक जगह एक साथ इकट्ठा होकर उन फिल्मों का उन गानों का एक साथ मजा लिया करते थे। पुरानी फिल्में और गीतों के साथ आपस में खुशियां ऐसे बांटा करते थे जैसे लगता था कि ये गीत ये पुरानी फिल्में उनके लिए बहुत बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आई हो। बच्चे हो या बूढ़े, उस दौर में सभी की जुबान पर टीवी के जाने माने कलाकारों के नाम रच बस से गए थे। रेडियो पर आ रहे सदाबहार गीत सुनकर मजदूर भी अपने दिन भर का काम खुशी खुशी कर लेते थे।
उस जमाने में रेडियो रखने का शौक हर किसी को था, पर बावजूद इसके हर कोई रेडियो खरीद नहीं पाता था। चाय की दुकान पर रेडियो पर आ रहे मोहम्मद रफी के गाने के तो क्या कहने, मुकेश जी और मन्ना डा के वे गीत जिन्हें घंटों तक सुनना लोगों का शौक हो चला था। और इसी बीच अगर किशोर कुमार की दमदार आवाज में रेडियो पर कोई गाना बज जाए तो लोगों का दिन ही बन जाता था। वे दिन भर की थकान, भूख, प्यास, दुख, दर्द सब कुछ भूलकर इन्हीं गीतों में अपनी खुशियां ढूंढ लिया करते थे। और उस वक्त पर इन संगीत कलाकारों को भगवान की तरह पूजा जाता था। खेतों में काम कर रहे किसान फसल काटते काटते इन गीतों को गुनगुनाया करते थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तब मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि आज के समय से तो हमारा समय काफी अच्छा था। मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाया करता था और फिर खेतों का सारा काम निपटाकर घर आया करता था। और ये बात सच भी है, 70 साल की उम्र में भी दादाजी की नींद 4 बजे ही खुल जाया करती थी। तब मैंने कई बार अपने दादाजी को किशोर कुमार के गाने गुनगुनाते हुए खूब सुना था। मानो जब भी वे काम करते या खाली बैठे रहते तब तब वे पुराने गानों को ही गुनगुनाते रहते। और अक्सर कहा भी करते कि उस जमाने के गानों की तो बात ही कुछ और है। मैंने आज भी अक्सर पुराने लोगों के मुंह से सुना है कि ये आजकल के गाने बेमतलब के हैं, इसीलिए तो ज्यादा नहीं चलते। पुराने सदाबहार गाने आज भी चलते हैं, जिसका कारण है गीतों को लिखने का ढंग, जिसमें गीत लिखने वाले की कल्पना समाई हुई है। इसीलिए तो उन सदाबहार गीतों को आज भी जितना सुनो लगता है जैसे हर दिन नए हो जाते हैं। जितना भी सुनो उतना ही मजा आता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। फिल्म परिचय का ये गीत किशोर दा ने गाया और क्या खूब गाया। मैं जब भी परेशान होती हूं ना, मैं तब इस गाने को बड़े ध्यान से सुनती हूं। आपने भी अक्सर इस गीत को सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपसे कहूंगी कि इस गाने को एक बार सुनिए। इस गीत को सुनकर सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बताती हूं कि इस गाने को सुनकर मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी अलग दुनिया में पहुंच गई हूं। इस जिंदगी की सारी हकीकत
इस एक गाने के जरिए मेरे सामने आ जाती है। हम सभी मुसाफिर ही तो हैं, ना हमारा कोई परमानेंट घर है ना कोई ठिकाना। हमें तो बस इस जिंदगी के रास्ते पर चलते जाना है, चलते जाना है। कुछ तो बात जरूर है उन सदाबहार गीतों की, कि क्यों उन गीतों को सदाबहार गीत कहा जाता है। एक एक शब्द में बड़ी गहराई, गीतों के मुखड़े और हर एक अंतरे में क्या ही खूबसूरती देखने को मिलती है। ऐसी खूबसूरती आज के गीतों में कहां दिखाई पड़ती है। उस वक्त के गानों में वीणा, हारमोनियम, तबला और कहीं कहीं माउथ ऑर्गन का भी क्या बखूबी इस्तेमाल किया जाता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया। उस वक्त माउथ ऑर्गन ने इस गाने में चार चांद लगा दिए थे। पुराने गीतों की सबसे खास बात तो ये है कि इन गीतों में संगीत को तो महत्व दिया जाता है, पर संगीत के साथ साथ गीतों के बोलों को भी अधिक महत्व दिया जाता था। ये बोल कई अर्थों को अपने अंदर समा लेते थे, जिस कारण ये गीत सुनने में और भी मधुर लगते थे। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या खूबसूरती से फिल्माया गया है इस गाने को, क्या खूबसूरती से बनाया गया है इस गाने को, जिसे संतोष आनंद ने लिखा था और जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। ये गीत हमें हमारे जीवन की सच्चाई को जानने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही कई गानों को हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं खुद से कई सवाल भी पूछते हैं। इन गानों के मायने केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि मनोरंजन से भी ऊपर कुछ और भी है। जैसे एक गाना और है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते पर यादें छोड़ जाता है। सच ही तो है, इस दुनिया में आदमी मुसाफिर ही तो है। इस पर किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते चलो और आगे बढ़ते कदमों के साथ खुद को बेहतर बनाते चलो। जिंदगी के सफर में मुसाफिर को न सिर्फ चलना पड़ता है, बल्कि अनेकों मोड़ों से बहुत कुछ सीखते रहना पड़ता है। आदमी के जीवन भर की कमाई उसके अच्छे कर्म ही तो है। चेहरे की सुंदरता का क्या है,
वो तो बस 4 दिन की मेहमान है, लेकिन एक ऐसी सुंदरता जो हमेशा इंसान के साथ रहती है, वो हमारे गुणों की सुंदरता है। आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक गाना वो भी तो था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। इतने सुंदर गीतों को बनाने का हुनर भी कहाँ से सीखा होगा उस समय के संगीतकारों ने, गीतकारों ने, लेखकों ने, जिन्होंने बिखरे हुए मोतियों को संगीत रूपी माला में कुछ इस तरह पिरोया कि ये गीत आज सदाबहार गीत बन गए। ये सदाबहार गीत भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिला गए। इसीलिए तो पश्चिम के लोग भी इन पुराने गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। आज के इस दौर में भी कई पश्चिमी लोगों को हिंदी सदाबहार गीतों को सुनते हुए देखा गया है। वे इन गीतों को सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि गीतों में बोले गए भावों को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। 1980 व 1990 के दशक में रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक सीरियल्स को कौन भूल सकता है भला। लोग आज भी कहते हैं कि उस समय की रामायण और महाभारत सीरियल्स का मुकाबला रामायण और महाभारत पर ही बने आज के सीरियल्स नहीं कर सकते। उस दौर में बने रामायण और महाभारत देखने में एकदम साक्षात दिखाई पड़ते थे। उस समय भगवान राम और भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और नितिश भारद्वाज को लोग भगवान स्वरूप ही देखा करते थे। इन सीरियल्स में एक एक पात्र का अपना एक अलग महत्व था और हर किसी पात्र ने इन धार्मिक सीरियल्स को सुंदर बनाने के लिए जो काम किया था वो आज भी सराहा जाता है। रामायण की चौपाइयां रविंद्र जैन ने गाई थी। रविंद्र जैन के द्वारा गाई गई रामायण की चौपाइयां मानो रामायण को साक्षात लोगों के सामने दिखाने में कामयाब रही। रविंद्र जैन की चौपाइयां सुनकर त्रेता युग के असल भगवान राम की कल्पना तक हम पहुंच जाते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक सीरियल्स को महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी थी। विष्णु पुराण सीरियल्स का आज भी यदि आप टाइटल सॉन्ग सुन लें तो भगवान विष्णु की महिमा को हृदय से जान पाएंगे। महेंद्र कपूर की दमदार आवाज में गाए गए भगवद गीता के सारे श्लोक हमें भगवान गीता को गहराई से जानने और स्वयं उसे पढ़ने की ओर प्रेरित भी करते थे। वे आवाजें आज कहाँ हैं?
वे शब्द आज कहाँ है, शब्दों का ठहराव आज कहाँ है। आज के दौर में हिंदी संगीत भी पश्चिमी संगीत को अपने ऊपर ओढ़ता जा रहा है। पुराने सदाबहार गीतों में आपको देखने को मिलेंगे भारतीय वाद्य यंत्र, भारतीय संगीत की कलाएं, संगीत की गहराइयों व उनके अनेकों रूप जो आज के इस दौर में कहीं गुम हो चले हैं। खैर, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। समय का तो काम है चलते रहना। देखिए, बातें करते करते पता ही नहीं चला कि समय हो गया आपके सोने का भी। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने पर आकर बैठ चुकी है। आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी नींद में खो जाइए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती है ना। अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।